दिल्ली NCR के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज आपसे रह न जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मौतपुर वार्ड में, जहां पे कि जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शिव कांवड़ भक्तों की स्वागत और अभिनंदन के लिए फूल वर्षा की जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है और फूल देके सम्मानित किया जा रहा है। इस एरिया के निगम पार्षद के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, उनसे पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे। भैया थोड़ा सा आइएगा। नदीम साहब, आप लोगों ने ये कार्यक्रम लिया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को, समाज को? भाई आज मौजपुर वार्ड के अंदर जो है कांवड़ियों का स्वागत मुस्लिम समाज के सभी जिम्मेदार लोगों ने किया और उनका स्वागत किया कि जब वो मौजपुर जाफराबाद से गुजर रहे हैं और इस पावन सावन के महीने के मौके पर जब ये कांवड़िया का जो यात्रीगण जा रहे हैं तो उनका स्वागत किया गया और इसमें एक हिंदू मुस्लिम की एकता का पैगाम दिया गया है और एक मैसेज दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम सब हम आपस में भाई हैं और एक मुट्ठी की तरह हैं, कि सारे से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ये गुलशिता है हमारा, तो एक गुलशिता का पैगाम दिया गया है कि हिंदुस्तान एक गुलशिता है और हम इसे गुलिस्ता की तरह, यानी एक बाग की तरह, एक गुलदस्ते की तरह इसको बनाकर रखेंगे। आप लोग जुमे की नमाज के बाद बाहर आए हैं मस्जिद के और पुष्प बांट रहे हैं, कैसा लोगों का रुझान है यहाँ कांवड़ियों से? क्या जब कांवड़िया यहाँ से गुजर के गए हैं और जब मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ के जो है उनको दुआएं देते हुए, उनको फूल देते हुए, उन पर पुष्प वर्षा की गई, तो कांवड़िया बहुत खुश होते हुए गए हैं। राजस्थान के लोग थे ज़्यादातर, तो बहुत ज़्यादा खुश होकर गए हैं और एक अच्छा पैगाम दिल्ली से मौजपुर वार्ड से लेके गए। आपने पहले भी कई बार इस तरह के कार्यक्रम किए हैं, क्या संदेश रहता है और अब जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं आगे क्या समझते हैं कांवड़ियों के लिए और क्या क्या करेंगे आप? भाई इसी तरह हम लोगों के बीच में जाके एक अखलाक का, जो मोहम्मद साहब, हज़रत मोहम्मद साहब का एक अखलाक का पैगाम है, उसका हम संदेश देना चाहते हैं, भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं और ये भाईचारे का पैगाम हम पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा भाईचारा अटूट है वो इसी तरह बना रहे। क्या कहना चाहेंगे भैया, आप मौजपुर वार्ड में रहते हैं नदीम जी के साथ? ये हमारे मौजपुर वार्ड के लिए, हमारे लिए पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता की एक लड़ी में पिरोने वाला एक निगम पार्षद और हमारे इलाके की बहुत बेहतरीन तरक्की के लिए जो चुनाए जनता ने उस पर खरे उतरते हुए, और ये हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, ये तो इंसानियत की बात करते हैं और इंसानियत के लिए ये काम बहुत बड़ी बात। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई जी शुक्रिया, हम तो बहुत खुशी हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग खुश हैं, आप पूरे यहाँ जमीन देख सकते हैं कि पुष्प से भरा हुआ है जो कि पुष्प वर्षा के द्वारा है और यहाँ अभी भी ये लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आने वाले सभी कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और शिव भक्तों को फूल देकर सम्मानित भी कर रहे हैं। दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा, न्यूज़ हेल्पलाइन।